वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रोज नितनेम अनुसार दीवान सजदा है ते संगतां लाभ लैंदियां हन। कुछ दिन बीते दो प्रेमी आए मत्था टेक के हजूर दे चरणा विच बैठ गए। बाबा जी ने पूछा गुरमुखो कित्थों आए हो। अगों बेनती कीती पातशाह पिंडरा तो ज्ञानी सुंदर सिंह जी ने आप जी पास बेनती करन वास्ते भेजा है। बाबा जी ने कहा काली बेनती। अगो सिंघा ने बेनती कीती पातशाह 101 श्री अखंड पाठां दा परसों भोग पैना है, आप जी कृपा करके दर्शन दिओ। बाबा जी ने पूछा एह पाठ किस कारण करके रखवाए हन। उत्तर विच बेनती कीती पातशाह एह पाठ किसी कामना वास्ते नहीं रखाए, सिर्फ दुनिया दे उधार वास्ते एह महान जग रचया है। हजूर ने पूछ कीती कि पाठ रखन तो पहले की नियम कीते सन। उत्तर विच सिंघा ने बेनती कीती पातशाह कुछ प्रेमियां ने विचार संतां नाल इउं कीती सी। आगू सरदार वीर सिंह कौंकियां वाले ने संतां दे हुक्म अनुसार नियम संगत विच प्रगट करके सुनाए। वो ए हन, पहला पाठियां दी सारी सेवा करनी है पर नकद माया नहीं देनी। दूसरा प्रशादा घरों तो पक के आवे, वो प्रशादा पाठियां ते आईयां संगत नूं वरताया जावे। तीजा जो चढ़ावा आवे उसनूं किते निजी थां पर ना वरत्या जावे। जो भी चढ़ावा आवे उसका कड़ा प्रसाद बन जावे। जेकर चढ़ावा ज्यादा होवे ता खीर तैयार कीती जाए, जे होर भी ज्यादा होवे ता माल पूड़े वा जलेबियां कढ़ियां जान अते पाठियां ते संगतां नूं वरताईयां जान। असली भाव यह है कि पाठां दी समाप्ति तो बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अपने आसन ते पहुंचा के अते बाकी सब कासे नूं अग ला के सफाई कीती जावे। बाबा जी ने फरमाया भाई ज्ञानी जी ने तो चंगा दम मारिया है। यह फैसला सुन हजूर ने कहा एहो जिहे पाठ मर्यादा नाल होण तां सारी दुनिया दा उधार हो सकता है। अज कल तां इक पाठ भी रखाउणा औखा है, इकोतरी दा तां कहना ही की है। यह एक महान जग है, इस तों वड्डा कलयुग विच होर कोई परोपकार नहीं। जे विधि अनुसार अते निर्विघन संपूर्ण हो जाए तां बाबा जी ने भी सलाया है ते कहा है ज्ञानी जी ने चंगा परोपकार कीता है। मालवे विच पहली कोतरी इन्हां ने कराई है। इन्हां प्रेमियां ने फेर बेनती कीती पातशाह आप कृपा करो ते दर्शन दिओ। संत सुंदर सिंह जी बहुत ही आप जी ते मान रखदे हन के लहरे आप जी दे नाल तपस्या भी करदे रहे हन। सो आप जी जरूर दर्शन दे के यह यज्ञ संपूर्ण करो। यह बेनती सुन बाबा जी ने वचन कीता साढ़े 13 नियम हन। यह नियम 10 फरमाया भाई साडा जाना तो मुश्किल है। यह उत्तर सुन लाजवाब हो गए, आग्या लै मत्था टेक वापस पिंडरी पहुंचे। संत सुंदर सिंह जी नूं सारा समाचार दस्या। ज्ञानी जी जवाब सुन कहन लगे जे बाबा जी ना आउण तां इह यज्ञ संपूर्ण नहीं होवेगा। सारी रात इह विचार करदे रहे। अमृत वेले इशनान कीता, इशनान करदिआं ही इह फुरना बण गया कि जेकर बाबा जी गुरु नानक पातशाह नाल अभेद हन। इत्थे ही गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे बेनती करिए, सतगुर आपे ही संतां नूं प्रेरणा करनगे। बाणी विच इउं लिखिआ है हर हर जन दोइ एक है, बिब विचार किछ नाहीं। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਆਂ ਸਤ ਬਚਨ ਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾਕ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆਇਆ ਸਤਿਵਚਨ ਕਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਦੋ ਆਦਮੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ।
बाबा जी ने बेनती सुन फरमाया, इतने इकट्ठ विच जान वास्ते साडा जी ता नहीं करदा, मगर ज्ञानी जी ते होर सारी संगत ने सतगुरु अगे अरदास कीती है। सो हुण दरगाह तो हुक्म होया है, सानू भी जरूर जाना पेगा। यह सुन रतन सिंह ने बेनती कीती, पाशाह हुक्म होवे ता रथ तैयार कर लईए, जेकर घोड़ी दा हुक्म है ता ओ भी हाजिर है। बाबा जी ने रथ दा हुक्म दे दिता। थोड़ी देर बाद रथ तैयार हो के आ गया। बाबा जी विच बैठ गए। जिवें जिवें बाबा जी दा पता लगा, तिवें तिवें ही संगत दा 100-125 दा जत्था बाबा जी दे रथ दे पिछे हो तुरिया। बाबा जी ने हुक्म दिता, रतन सिंह कोई रागी भी नाल लै लो, अते रस्ते विचों जांदे रागी सिंघां नूं भी नाल लै लिता। जदों गालब पिंड पहुंचे तां उत्थे ज्ञानी जी दे भेजे होए दो सिंघ भी आ मिले। हजूर दे चरणां दे विच मत्था टेकिया ते बेनती कीती। पाशाह ज्ञानी जी बहुत याद करदे हन। अगों बाबा जी ने बेनती सुन के बचन कीता, तुहानूं अजे भी यकीन नहीं आया, गुरु नानक पाशाह दा वास्ता पा के उन्हां नूं जामन लै के फिर सद्दा भेजण दी की जरूरत सी। तुहानूं तां उदों ही टैलीफोन आ गया सी जदों ज्ञानी जी ने अरदास कीती सी। इह कह के बाबा जी ने इन्हां प्रेमियां नूं वापस पिंडरां भेज दिता। इन्हां ने ज्ञानी जी अते सारी संगत विच खोल के समाचार सुनाया। सो जिसने सुनिया उही अगों स्वागत करन वास्ते पहुंचिया। अगों ही पहुंच के बाबा जी दे चरणा ते मत्था टेक बेनती कीती, पाशाह रथ खिंचण दी सेवा सानू दिओ। बाबा जी ने फरमाया, गुरमुखो बलद रथ सोहणा लई जांदे हन, तुसी रईस आदमी हो, तुहानूं नहीं शोभदा। अगों बेनती कीती, पाशाह इह समां भागा नाल मिलदा है। इह बेनती सुन बाबा जी ने बचन कीता, जिवें तुहाडी मर्जी। हुण उसे वेले बलद रथ नाल पिछे कर दिते ते आप चारे भाई रथ नूं खिंचण लगे। इह समां ऐसा सुहावना होया जिवें तारा रूप संगत विच चंद्रमा रूप बाबा जी रथ विच विराजमान शोभ रहे हन। जदों पिंड दे पास पहुंचे तां ज्ञानी सुंदर सिंह जी, संत गुलाब सिंह जी घोलिए वाले अते होर संगत समेत अगों लैण वास्ते पहुंचे। बाबा जी ने संगत समेत महापुरखां नूं देख के रथ विचों उतरना कीता अते सत्कार सहित मिले। हुण ज्ञानी जी ने जिथे बाबा जी दी रहायश दा प्रबंध कीता सी उत्थे लै गए। कुछ चिर आराम कर इशनान कर जल पानी वरत के जिथे पाठ आरंभ सी उत्थे पहुंच गए। सत्कार सहित मत्था टेक दर्शन कीता। हुण बाबा जी नूं बेनती कीती, पाशाह संतां दी सभा विच दर्शन दिओ। इह बेनती सुन बाबा जी संत मंडली विच आ विराजे। बाबा जी नूं तक सारिआं ने सत्कार सहित बिठाया। इस संत मंडली विच एक संतां वास्ते वड्डे सारे थड़े ते फर्श कीता सी, जिस दे उपर एक खास आसन लगाया गया सी। इह खास आसन दा भाव सी कि जो सारिआं संतां दा श्रोमणी महापुरख तत्त बित ब्रह्म ज्ञानी होवे अते सब दी समस्या नूं हल कर सकदा होवे, उस नूं इस आसन पर बिठाया जावे। सो इस आसन पर बैठण वास्ते बाबा जी नूं बेनती कीती। बाबा जी ने उत्तर वजों कहा, गुरमुखो इत्थे कोई विद्वान बिठाओ, सानूं तां गुरु नानक दे आसरे टुक मिल जांदा है। असीं तां बगैर नाम दे होर पढ़े ही कुछ नहीं, सानूं तां नाम तों बिना सब बदलां दी छां भासदी है। हुण संत गुलाब सिंह जी नूं बेनती कीती गई, क्योंकि इह भी विद्वान बहुत सन ते त्यागी वैरागी भी सन, रोप भी चंगा सी, मगर बाबा जी दा दिलों सत्कार करदे सन, इसलिए श्रोमणी आसन पर बैठण लई इनकारी कर दित्ती। इह देख बाबा जी ने कहा, गुलाब सिंह जी तुसीं आसन पर बैठो, क्योंकि सारी संगत दी इहो मर्जी है। इह सुन संतां ने वचन कीता, महाराज आप दा हुक्म नहीं मोड़िया जांदा, इसलिए तुहाडा हुक्म पा के बैठदा हाँ। इह कह संत आसन पर बैठ गए अते बेनती कीती, पाशाह संगत ते मेहर करो। बाबा जी संगत दा फरमान सुन हौली हौली इउं बोले, जिवें सुर किते रबाब विचों अमृत वेले मिठी आवाज आउंदी है, तिवें ही बाबा जी गुरु नानक दे चरणा नाल मन सुर होए दे विचों मधुर मधुर आवाज दे नाल बोले ते पहले ही बचन कीता, होमे दी निवृत्ती होवेगी तां सेवक नूं गुरु पासों 32 लखणा वाली भगती दी प्राप्ती होवेगी। सब नालों उत्तम प्रेमा भगती है, इह गुरु पासों प्राप्त हुंदी है। इस तरह बाबा जी ने सब बाणी द्वारा निशा कीती। सब दे मन बाबा जी दे बचन सुन के शांत हो गए। हुण इस संत समागम दी समाप्ति कीती। संगत ने नमस्कार करदिआं धन बाबा जी दी गूंज द्वारा आपो अपने स्थानां ते आराम कीता अते बाबा जी भी हुण आसन पर विराजमान हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन बाबा आनंद सिंह जी दी अजिहे ही अनोखे जीवन कौतक जानन अते सुनन लई सब्सक्राइब करो साड़ी यूट्यूब चैनल धन गुरु नानक।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਈ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।